ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन का सोल्यूशन। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर टू की ओर। क्वेश्चन नंबर टू है 42 का क्यूब। 42 में 4 जो है ये x रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 y रिप्रेजेंट कर रहा है एज पर दिस फॉर्मूला। तो सॉल्व कैसे होगा, 4 का क्यूब इज 64, 4 का स्क्वायर इंटू 2 मतलब कितना, 4 का स्क्वायर होता है 16 इंटू 2 इज 32। नेक्स्ट इज 4 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 इंटू 4 इज 16। सिमिलरली 2 का क्यूब आ गया 8। ये हो गई हमारी रो नंबर 1। अभी हमको रो नंबर 2 कैसे निकालना है, बड़ा ही सरल, मल्टीप्लाई बाय 2 करो। क्या आंसर कितना आता है, 16 इंटू 2 इज 32 एंड 32 इंटू 2 इज 64। बस इसको भी ऐड करना है। पहले क्वेश्चन में जो पहला डिजिट था वो डबल डिजिट था, इसलिए मैं सिंगल डिजिट लिख के दूसरे को कैरी किया था। यहाँ पे सिंगल डिजिट होने के कारण एज इट इज मैंने ले लिया। अब 16 प्लस 32 मत करना, 6 प्लस 2 इज 8, क्लियर। 1 प्लस 3 इज 4, इसको मैंने यहाँ पे कैरी किया, ओके। 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 4 इज 10, 0 लिया। अब बचा क्या है 1, 1 प्लस 6 इज 7, 7 प्लस 3 इज 10, इस 10 का 0 यहाँ मत लिखना, ये 10 का 10 यहाँ पे कैरी में आ जाएगा। अब क्योंकि 64 के बाद कोई और नंबर नहीं है इसलिए 64 प्लस 10 सीधा आंसर कितना आता है 74, जो कि रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए हमने टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपको टाइप 1 के क्वेश्चन और टाइप 2 के क्वेश्चन क्लियरली अंडरस्टैंड हो गए होंगे तो टाइप 3 बड़ा ही आसान है। टाइप 2 एंड टाइप 3 डायरेक्टली कोरिलेटेड। देखिए टाइप 2 में क्या हो रहा था, x और y के फॉर्मेट में नंबर था। अब नंबर कैसा है, स्टार्टिंग विद x, स्टार्टिंग विद 1 एंड एंडिंग विद एनी अदर नंबर, तो सेम फॉर्मेट को हमने सॉल्व किया है। 1 का स्क्वायर करो, 1 का क्यूब करो या कुछ भी करो, सब उसका आंसर 1 ही आता है। इसलिए हमने क्या किया है, x के फॉर्मेट में फर्स्ट रो को लिखा है। कैसे, x पावर 0, x पावर 1, x पावर 2 एंड x पावर 3। एनी पावर, एनी नंबर का पावर, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होगा तो उसका आंसर 1 ही होता है। फिर भी हमने x पावर 0 आपके आइडेंटिफिकेशन में लिखा हुआ है। सेम चीज फॉलो हो रही है एज स्टेप नंबर 2। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है 12 का क्यूब निकालो, तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे 1 को जैसा का वैसा, इसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा x, तो 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 3। अब इसका आंसर कितना आता है, 2 टू द पावर 0 इज 2 टू द पावर 0 इज 1, 2 पावर 1 इज 2, 2 पावर 2 इज 4 एंड 2 पावर 3 इज 8। अब बीच वाले दो नंबर जो है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, जैसे हमने स्टेप 2 में किया, टाइप 2 में किया था। तो 2 2 सा 4, 4 2 सा 8। अब इन दोनों को फर्स्ट रो एंड सेकंड रो को ऐड करना है, क्योंकि ये यूनिट प्लेस में है और एक सिंगल डिजिट है इसलिए जैसा का वैसा ट्रांसफर हो गया। 8 प्लस 4 इज 12, 2 लिखा कैरी 1, 2 प्लस 4 इज 6, 6 प्लस 1 इज 7, यहाँ पे कोई कैरी नहीं जा रहा इसलिए जैसा का वैसा आ गया। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अब 15 का क्यूब, 15 का क्यूब सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। कैसे, 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 3। 5 तक, 5 पावर 0 इज 1, 5 पावर 1 इज 5, 5 पावर 2 इज 25 एंड 5 पावर 3 इज 125। ओके अब कैसे सॉल्व करना है, फिर से बीच वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई बाय 2 करो, क्लियर। आंसर कितना आता है, 5 टू ज 10 एंड 25 टू ज 25। अभी इन दोनों को ऐड करना है। तो देखिए 5 इंटू 2 इज 10, 25 इंटू 2 इज 50। अब इन दोनों रो को ऐड करना है। अभी आप देख सकते हो कि पहले क्वेश्चन में सिर्फ यूनिट प्लेस था और एक ही डिजिट था इसलिए जैसा का वैसा कैरी किया, वैसे गलती यहां मत करना। हमको सिर्फ इसमें का 5 ही कैरी करना है। कितना आएगा, 5 बच्चा 12 इसमें ऐड हो जाएगा। तो अगर 12 इधर ट्रांसफर हो गया तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5 इज, सॉरी क्या करना पड़ेगा, इस 12 को 5 के साथ ऐड करो, कितना आएगा 17, आंसर आ गया 7।
फिर से इसमें से कितना बचा है? 12 प्लस 5 इज 17, बचा हुआ 1, 5 प्लस 1 इज 6, 6 प्लस 2 इज 8, कोई कह रही नहीं, ये भी गलत किया आप लोगों ने। कैसे करना है फिर से एक बार समझिए, यहाँ पे 3 डिजिट्स है, इसमें का सिर्फ यूनिट को नीचे लिखना, जो भी बचा है नेक्स्ट टर्म में कैरी ओवर हो गया। 12, 12 प्लस 5 इज 17, 17 का 7 यहाँ पे लिखा, 1 कैरी हुआ, 2 प्लस 5 इज 7, 7 प्लस 1 इज 8, ये 8 यहाँ पे चला जाएगा कैरी में। ओके, 8 प्लस 5 इज 13, 13 प्लस 0 इज 0, तो 13 प्लस 0 इज 13, तो आंसर 3 कैरी में बंद। 1 प्लस 1 इज 2 जो कि यहाँ पे कैरी में जाएगा, तो 2 प्लस 1 इज 3, ये रहा इसका आंसर।